ट्राई करते सर्कल खत्म करने का। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो पहले किए थे, वैसा ही क्वेश्चन है, डेटा भी वही है, ये 6 है ये 8 है, इस बार रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बट जो एनसीईआरटी वाला किए थे वो तो काफी टफ क्वेश्चन था, इस बार थोड़ा सा आसान है। इस बार एरिया दिया हुआ है, इस बार एरिया मेंशन है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एनसीईआरटी वाला तो एक नंबर था, ये वाला उतना टफ नहीं है, वैसे कई बार आया बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 5-7 बार तो पिछला 10 साल में आ चुका है ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ही दिया हुआ है, आप बताइए फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। तोड़ दो सब खत्म क्या, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। कुछ लोग बना लिए एनसीईआरटी वाले, तो काफी सिंपल है शायद, ये 6 तो ये भी 6 हो जाना है, ये एक्स बाकी इसको ज्वाइन करने का, थ्योरम 1 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये रेडियस इस तरह से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 3 हिस्से में तोड़ लेंगे, हीरोज फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, एओबी ओबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, बस दिस इज 63, दिस इज हाफ, बेस में 6 प्लस एक्स, हाइट पे 3, इसका हाफ 14, 3 इसका हाफ 8 प्लस एक्स 3 कितना हो गया, 18 प्लस 3x बाय 2, 14 प्लस 3 42 बाय 2, काट भी सकते हैं बट एक ही बार में काटा जाएगा, और ये 24 प्लस 3x बाय 2 है ना, कितना हो गया, ये सब एलसीएम लेंगे तो 63 दूनी 126 वहां हो जाएगा, इधर 24 42 84 प्लस 6x, therefore 6x बराबर 42, therefore x बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें ए बी पूछ रहा था, ए बी 6 प्लस एक्स 13 सेंटीमीटर, ए सी इज 8 प्लस 7 दिस इज 15 सेंटीमीटर, 13, 14, 15 इस क्वेश्चन का आंसर। एनसीईआरटी वाला इससे बहुत बढ़िया, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन था, ये तो आसान है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एक बार मिला लेना, पूरा क्वेश्चन में नहीं लिखवा रहा हूँ, ए बी कॉर्ड दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है 9.6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक बार देख लेना, सर्कल का सेंटर है ओ, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इट इज अ टफ क्वेश्चन, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ये दोनों टेंजेंट वर्ड मेंशनड है, टेंजेंट है जैसे देखने में नहीं लग रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको बताना फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए, पी से ए का वैल्यू बताना है कितना होगा, ये है 9.6, ये है रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको बना के देखो। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अप्रोच करते हैं, इसको पहले यहां से ज्वाइन कर दिया जाए, ज्वाइन क्या होता है भाई, रेडियस बट मेंशन है, मतलब ये है यहां पर, है ना, तो हम जो पढ़े हैं कल वाला उस हिसाब से ये वाला कितने डिग्री का हो जाना, ये वाला जो है बॉस 90 डिग्री का, इसको पहले थोड़ा सा यहां पर ज्वाइन कर लिया जाए, ऐसे इसको चाहो तो इधर से ज्वाइन कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, यहां पर एम नेमिंग कर देते हैं इसको, एक्स या वाई जो भी, इसको वाई मान लो या इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है, और ये पूरा दिया हुआ था कितने का, 9.6 था ना, देखो थोड़ा सा स्टेप जो है बॉस, थोड़ा सा स्टेप उड़ा लेते हैं जरा सा, ये 9.6 का हाफ नहीं, वो बाद वाली स्टेप है, सबसे पहले ये जो दोनों ट्राइंगल है,
ना, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल पी ए एम और पी बी एम ये कॉन्ग्रुएंट होगा, करके दिखाने का जरूरत नहीं, बहुत लंबा चला जाएगा स्टेप, बट ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? कल के थ्योरम के हिसाब से ये वाला एंगल भी बराबर होता है, ये लेंथ बराबर है और ये कॉमन है, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। करके दिखाने का जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिख भी सकते हो। अभी उड़ा लूंगा मैं इसे, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट होने से, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होने से सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर, और ये लीनियर पेयर से ये दोनों का जोड़ कितना और बराबर है, तो उस हिसाब से ये कितने का हो जाएगा, और ये वाला भी 90 डिग्री का हो जाएगा। या तो यहां तक का स्टेप सिर्फ ऊपर ऊपर से लिख करके निकल सकते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, पहला चीज ये हो गया। ये आ गया समझ में? फिर से बताऊं, ठीक है? अब इसमें थ्योरम लगेगा क्लास नाइन्थ का, नाइन्थ क्लास में पढ़े थे। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर अगर बनाया जाए तो कॉर्ड आधा आधा हो जाता है, तो आप 9.6 का आधा आधा कर सकते हैं। उस हिसाब से अब अगर स्टार्ट करें तो ये वाला जो है बॉस वो 4.8 का, और ये वाला भी 4.8 का हो जाएगा। आ रहा है समझ में ये स्टेप? तो ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिए हैं और ये 4.8 और 4.8 हो गया है। इसमें बच्चे पूछते हैं बोर्ड्स पर करके दिखाना पड़ेगा क्या, तो पूरा नहीं, कम से कम लिखना पड़ेगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? क्लियर? मैं नहीं कर रहा, चलेगा ना? चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। ये 4.8 हो गया और ये 90 डिग्री भी हो गया। अब इन ट्राइंगल OAM में, OAM में पाइथागोरस थ्योरम लग जा रहा नहीं, कितना हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OA रेडियस था, कितना था 6, रेडियस 6 था। AM अभी निकाले हैं 4.8 है ना बॉस, इससे OM का स्क्वायर निकाला जाए तो ये हो गया 36 माइनस 4.8 का स्क्वायर कितना होता है, 4.8 का स्क्वायर 15 पॉइंट कितना, माइनस करने पर 12.9 4.8 का स्क्वायर 15.4 ना, 15.9 कितना आएगा, 4.8 का स्क्वायर 23.04। हाँ सही सही, 23.04। क्या उल्टा सीधा क्या बता रहा हूँ, ऐसे तो काम ही गलती हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, दिस विल बी 12.96, इसका रूट निकल जाएगा 12.96 का, 12.96 का कितना हो जाना, 3.9 भाई, 39 का 1296 होता है, नहीं 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 39 का कैसे हो सकता है, 39 का 96 का 34 का हो सकता है शायद, 39 का तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा ना, 1581 39 का होता है, 1296 किसका था, 34 का होता होगा, देखो एक बार, नहीं सॉरी 36 का होता है, 3.6 36 का है, 36 का एक बार कर लो, 36 का होता है, 36 का, दिस बिकम्स 3.6 सेंटीमीटर। तो फिलहाल OM आ गया, कितना आ गया, दिस इज 3.6, ये वाला आ गया, ये OM 3.6 हो गया, ठीक है? पहला तो ये काम करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, तो इसमें हम लोग पहले पाइथागोरस थ्योरम, अब दो बार और लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। अब इन ट्राइंगल APM में, इन ट्राइंगल APM, अब बिट टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। APM में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बताओ कितना हुआ, x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर होगा, सो दिस इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, शायद निकाले थे या दिया हुआ था कहीं, AM वाज 4.8 था ना, 4.8 था, 4.8 का स्क्वायर, सो दिस x का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ही बताए थे तुम लोग, 23.04, दिस इक्वेशन नंबर a हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? और एक बार इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAP में, OAP में ये भी 90 डिग्री है,
इन ट्राइंगल ओ ए पी, अब इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, आप सोच सोच के बताना थोड़ा सा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस वाला, लिख देता हूँ ओपी का स्क्वायर हाइपोटेनस हुआ ना, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस, ओपी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, है ना, तो ओपी का स्क्वायर, अब ओपी को दो हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, क्या है ओपी के जगह पर, देखो ओपी के जगह पर एक वाई है प्लस ये वाला है ओ एम, और ओ एम कहीं पर निकाला हुआ है, 3.6 का स्क्वायर, थोड़ा टफ क्वेश्चन है 10th क्लास लेवल पर, एपी का स्क्वायर इज एक्स का स्क्वायर प्लस ओ ए, ओ ए रेडियस था 6 का स्क्वायर 36, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाना है, वाई का स्क्वायर पर 3.6 का स्क्वायर यहां निकाले थे हम लोग 12.96 प्लस 2ab, ना ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होगा ना, 2ab करेंगे तो 7.2y भी आएगा, आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज x की स्क्वायर प्लस 36, x तो निकाले ही नहीं, x ही तो निकालना है, हाँ मतलब अब करते हैं, अब इस x स्क्वायर के जगह पर ये प्लेस कर देते हैं, इस y स्क्वायर प्लस 12.96 प्लस 7.2y इक्वल टू, या फिर आप y स्क्वायर के जगह पर पुट कर देंगे तो x एक बार में निकल जाएगा, वो देख लो, अगर पुट कर दियो तो ऐसे पहले y निकालोगे फिर x निकालोगे, एक्चुअली में तुमको x निकालना है, वो तुम अपना डिसाइड कर लो क्या कर रहे हो, अब हम भी पुट कर दिए तो कर ही देते हैं, x स्क्वायर के जगह पर क्या बोल रहे थे, y स्क्वायर प्लस, वैसे तुम y स्क्वायर के जगह पर पुट कर देते तो एक ही बार में x स्क्वायर का वैल्यू आ जाता प्लस 36, अब काटो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, कितना आया 7.2y is equal to, कितना आ रहा बताओ, 6 पहले दोनों को प्लस करेंगे ना पहले, नहीं 23.04 है ये, है ना, कितना आया 23, 59.04 में से 12.96 माइनस करना है, इससे अच्छा हम लोग सीधा वाई स्क्वायर के जगह पर पुट करते हैं, इससे बचेगा, है ना, वाई स्क्वायर के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 23.04, ये वाई स्क्वायर के जगह पर पुट करते हैं वो ज्यादा आसान रहेगा, वाई स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 23.04 प्लस 12.96 प्लस 7.2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, इससे भी वाई ही आ जाएगा, नहीं नहीं इसमें शायद कैलकुलेशन छोटा हो पता नहीं, देख लेते हैं अभी, कर दिए तो कर दिए, x स्क्वायर कट गया, कितना हो जाएगा 7.2y इज इक्वल टू 36, वही चीज हो गया 59.04 माइनस 12.96, कितना होता है ये माइनस करने में 46.07, श्योर ना 08, तो ये कटेगा कितने बार में, 7.2 से कितने बार में कटेगा, ये काटो 72 से 4608 काट के देखो 72 6 जा कितना होता 432, 64 बार में कटा है, दिस वाई बिकम्स 6.4 सेंटीमीटर, शायद वाई नहीं निकालना था हमें, एक्स निकालना था, नहीं थोड़ा स्टेप बढ़ ही गया, चलो कोई बात नहीं, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 23.04, वाई स्क्वायर 6.4 का स्क्वायर कितना होता है 40.96 प्लस 23.04, ये हो जाएगा 64, देयरफॉर एक्स 8 सेंटीमीटर, एक्स ही पीए का वैल्यू था, PA becomes 8 centimeter. अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्लास लेवल पर इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना, और बच्चे पूछते हैं कि इसमें इस चैप्टर का कहां पर इस्तेमाल हुआ, तो हुआ है ये एंगल 90 डिग्री का यूज ऑफ ये है, ये तो इसी चैप्टर में सीखे ना, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री होता है, फिर ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है तभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ये भी इसी चैप्टर में पढ़े, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए कि इसमें 10th क्लास का थ्योरम का यूज ही नहीं हो रहा है, हो रहा है, टेंजेंट का लेंथ इक्वल है उस वजह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, यूज है 10th क्लास का थ्योरम का इस क्वेश्चन, ठीक है इसको बना लो, इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से बना लो बच्चों, देखो इस ट्रायंगल में नेमिंग किया हुआ ओ ए एम में, ओ ए एम, इसमें ये टेन थीटा निकाले इस एंगल का,
टेन थीटा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर में 4.8 और बेस में ओ एम 3.6, ये 1.2 के टेबल में कट गया 4/3 बार में, ठीक है। और एक बार इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, एपीओ में इस ट्रायंगल में, इसमें फिर टेन थीटा इसी एंगल का, टेन थीटा यहां से देख रहे हैं, सबको आता ना टेन, टेन बराबर का था परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर में एक्स, और बेस में ये वाला, ये इसका रेडियस है 6, आखिर तो टेन थीटा ही निकल रहा है ना, दो अलग अलग ट्रायंगल से निकाल रहे हैं बट निकल तो टेन थीटा ही रहा है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे तो 4/3 बराबर एक्स बाई टू, इससे एक्स का वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से इट इज वेरी इजी, यहां तक तो करना ही था, उसके बाद इसको ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते थे, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से भी हो जाएगा, दो तीन लाइन में ही आएगा, OM तक निकालना, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग करते रहेगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना, डायग्राम को बना लो नेक्स्ट वाले में। ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपने से लिख लेना। ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो ही है, एक पेज का क्वेश्चन है लिखवाऊंगा। दो सर्कल है बट कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर वो है, बाकी रेडियाई दिया हुआ बड़े वाले का रेडियाई मतलब क्या हो जाएगा, ओ से ए हो जाएगा, ओ से ए, ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का रेडियाई कौन हो जाएगा, जैसे ओ से डी, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियाई दिया हुआ है, छोटे वाले का रेडियाई दिया हुआ है, और फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी का लेंथ बताना है कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, रेडियाई टू कंसेंट्रिक सर्कल ए बी डायमीटर, व्हाट मेंशन है कि ये वाला डायमीटर है, ये लिखा हुआ है, जैसे आपको अपने से नहीं लेना, गिवन है, और बी डी एक टेंजेंट जैसा है लिखा हुआ है, ये टेंजेंट है ना, ये नहीं कि अपने से बस डायग्राम में लग रहा है तो नहीं मान लेना, लिखा मेंशन है क्वेश्चन में। बाकी आपको ए डी का लेंथ निकालना है, ए डी का लेंथ निकालना है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बना करके देखो कैसे बनेगा। देखो कुछ लोग बना लिए हैं, इसको सही तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। सबसे पहले ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों, सेमी सर्कल में, हाँ एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्लास 9th में पढ़े थे, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट एंगल इन सेमी सर्कल क्लास 9th में पढ़े थे, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, वहां से ये हो जा रहा है। दूसरा नंबर ये वाला 90 डिग्री होगा, ये तो अभी जो पढ़े हैं थ्योरम, सर्कल का सेंटर और ये टेंजेंट वर्ड मेंशन्ड है अभी मैं बताया था, सो दिस इज 90 डिग्री, तो ये सब हो गया। अब थोड़ा सा इसको अप्रोच करते हैं, ओडी दिया हुआ था 8, ओडी इज गिवन, और ये ओए 13 है, मतलब ओबी भी 13 होगा, यहां से शुरू कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ओबीडी, हाँ बताओ पाइथागोरस थ्योरम बताओ कितना होगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोर्ड्स पे ऐसा नहीं, थोड़ा लिख लिख के करना, 8 का स्क्वायर प्लस डीडी का स्क्वायर, 169 माइनस 64 बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर 105, बीडी बराबर रूट 105, इस पर पैनिक नहीं करना है कि किसका वैल्यू है, आगे हो सकता है सही सही हो जाए, बीडी रूट 105 हो गया। अब क्लास 9 का एक और थ्योरम करेंगे, सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो दोनों आधा आधा हो जाता था, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बी दुगना हो जाता था, बी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी डी हो जाएगा, क्लास 9 का थ्योरम लगाया हुआ है इसमें, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट 105, ठीक है। ये बी जो है वो कितना हो गया हमारा, 2√105 सेंटीमीटर, चलेगा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल बढ़िया क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी ई में लगाओ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम ए बी ई में, आप बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए लिख देता हूं मैं पहले, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बताओ ये कितना है, 13 13 26 का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर, हाँ ये निकाले थे तो अभी, 2√105 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अभी निकालना है, चलो 26 का स्क्वायर 676, इधर 4 × 105 तुम लोग वाला वैल्यू आ गया 420, हाँ 420 है, वाह अभी तो बना दिए हो तुम,
ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 256 ना, और इसका रूट तो निकल जाएगा 256 और रूट इज 16, तो दिस इज 16 सेंटीमीटर, दिस इज आवर 16 सेंटीमीटर, अब खत्म हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल ए ई डी में ये सेम क्वेश्चन अभी मैं बता रहा था, ये जिन लोगों के पास किताब है सेक्टर सेगमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें भी एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ सेम यही वाला क्वेश्चन। तो ए ई डी में अब इसे फिर से लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, अब बताओ ए डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर, अब बताओ ए डी साइड निकालना है ना, ई डी का स्क्वायर कितना है, ई डी तो यही वाला था रूट 105 ही होगा, रूट 105 का स्क्वायर, और ए ई अभी निकाले हैं का स्क्वायर 256, ए डी का स्क्वायर बराबर दिस इज 105 प्लस 256 ए डी का स्क्वायर बराबर 361, देयरफॉर ए डी बराबर रूट 361 दिस इज 19 सेंटीमीटर। इसके एरिया भी निकाल सकते थे वैसे, मैं एरिया नहीं निकालता, ए डी का वैल्यू तक निकालू, ए डी इज 19 सेंटीमीटर। ठीक है, आज खत्म नहीं हो पाया चैप्टर, अभी भी इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, कल ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने, ठीक है।